हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग ओडिशा रो गोटे फ्रेश एपिसोड को आपण समस्त को वेलकम करुच्छे हूँ मामा दर्शक बंधु आज मॉर्निंग आपण मानकर म्यूजिकल होगा जाऊँगी कारण आज आम सहित एमती जन सिंगर अच्छा जे कि आपण मानक भेट देते अनेक सुंदर सुंदर गीत तेज सी होती ट्रेनिंग सिंगर अभिजीत पाढ़ी तेज चल कार्यक्रम स्वागत करवा नमस्कार नमस्कार वेलकम टू आवर शो वेलकम समस्त एमबीसी टीवी श्रोता को मो नमस्कार जमी कहल कि आज मॉर्निंग बहुत ही म्यूजिकल हम कारण आज आम आपको गेस्ट रूप पाई तो आज जी मॉर्निंग जब स्टार्ट हम आज शो गोटे सुंदर गीत रु बहुत सुंदर फर्स्ट गीत म्यूजिक डायरेक्टर थे मोहम्मद मुशी बहुत फेमस गीत हृदय सुनता म्यूजिक डायरेक्टर लिखते थे संजय भट्टी एमिति एक स्वप्न दीप रे देखिली मु सुनेली संध्या हृदय को मु पचारिली त कापसे हे बुरे बंधा मृगु पवन रे थिला तासुर भी मन कथा जे ते ताकु मु कहिबी देखिली मन भरी से लागुथिला परी से जे मो बुझ प्रेमिका ना तर पद्म गंधा 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 वाह बहुत ही सुंदर थैंक यू सो मच एटा आपण को फर्स्ट गीत थिला फर्स्ट रिकॉर्डिंग ना एटा मोर ही सर्च मैन अराउंड 10th रिकॉर्डिंग थिला एटा मोर मने बहुत हिट हिट लागी थला बहुत अच्छा म्यूजिक रो जर्नी केबे टारम केबे तो इच्छा हितला कि मु भी जे सिंगर निजो करियर को आरंभ करे अपन चाहि भी मु सिखु छे पिला जन माने मु आस्थिल इंडस्ट्री को बहुत 5 6 वर्ष आगर बट मु सिखु छे मते लास्ट 8 9 वर्ष लानी मु सिखु छे हिंदुस्तान क्लासिकल सिखु छे मो गीत आग्रह माने मो घरे पापा मेमती माने नॉट प्रोफेशनली बट घरे गांती बहुत इच्छा मम्मी बहुत गान माने तंको हिंदी गीत माई लाइक मॉम इज फ्रॉम दिल्ली अच्छा तो तंको हिंदी के सब जाना लाइक मोहम्मद रफी किशोर कुमार मुकेश सब के जाना तंको तो छोटा पिला माने माने ऑब्वियसली मोर थिला मु सुनुतली गीत तो माय फादर इज अ मेरिन इंजीनियर तो पिला दिने मु पापा को शिफ्ट रहथले तो सेठी पापा को इलेक्ट्रिकल ऑफिसर थिले ही वाज एन ट्रेन गुरु लाइक ही यूज्ड टू ट्रेन पीपल एंड ही वाज आल्सो एन इंजीनियर वर्किंग तो मु गली सेठी तो बोट रे से मते दितिन जम जाउथलो शिफ्ट रे तो से माने दितिन मते गीत सुनले एंड मते आग्रह लागिला लाइक मते इंटरेस्ट लागिला तो से देखिले कि पहिले इंटरेस्ट से आसे आसे आओ सीखो करके तो सेठी म्यूजिकल जन स्टार्ट हला मु क्लास यूकेजी रे थिली अच्छा यूकेजी रु आरंभ होई जा स्टार्ट हेची तो माने यूकेजी स्टार्टिंग रे तो मते जाना पडल कोन अछि माने से मते किंतु भले लागुथिला आपन भल लागुथ मते बहुत बडा लागुथला गीत सुनिया को बट आफ्टर लाइक 4th 5th अराउंड रे मु बहुत माने लिटरली मु एबे तो कम होची बट आगुरु माने ओडिसा रे अराउंड 10 इयर्स बैक बहुत सारा भलो शो दोस्तों माने एंती गिरिजा देवी आस्थेले हरिहरन सब आस्थेले जगदीश सिंह के मु लाइव सुनी छी गुलाम अली आस्थेले तबे तो मु तांको सब लाइव सुनी के मु इच्छा हला कि ना मु मते भी एंती किछ करो छी कि मो ना हो लोक माने मो गीत गांतु मते सुनी के कोंत कि ना लाइक माने एवरग्रीन सॉन्ग सब तो सेही टू मोर स्टार्ट ला जर्नी तापर मु देखिले कि ना मते तापे आग्रह बढ़ला बट फॉर सम रीजन मु जांको पे सिखु थिली ये भुवनेश्वर विजय कुमार स्वाई ही हैड गॉन टू तंग जॉब पड़े तो ही वेंट टू दारिंगबाड़ी तो तापरे ही से तंको गुरु को नेले मते पंडित देवेंद्रनाथ सप्तती मु सेठी सिखिया स्टार्ट करली तापरे सेठी मोर माने मु इंडस्ट्री को मु असली तापरे मु लाइट की तो सिखिया स्टार्ट करली शारदा प्रसन्न सब लेट शारदा प्रसन्न सब से भी नहांती तंको ए अराउंड 3 मंथ्स बैक तंको डेथ हुई आफ्टर दैट तापरे मो चल म्यूजिक नी तापरे आई वाज इन द मार्केट तापरे मु क्लास 10th रे आइडल जाई थी इंडियन टॉप 30 रे थी तापरे 11th रे मु सारेगा पार थी सा ये मतलब 2020 रे सारेगा पा जो फाइनलिस्टली सी सेटी मु तापरे आउ थरा आस्थिला मंजरी टीवी रा आस्थिला ओडिसा ये सुपरस्टार सिंगर सेटी थिला बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस द शो वाज क्लोज्ड तो सेटी मु चलला तापरे इन आई हैव एंटर्ड इन द म्यूजिक इंडस्ट्री आल्सो बॉलीवुड इंडस्ट्री अच्छा कि बहुत कम एज रु विकेज रु म्यूजिक स्टार्ट करथले सिखबा फर्स्ट केबे स्टेज शो करथले पिला दिन रु स्टेज शो आरंभ होइथले स्टेज शो बहुत कम माने एक्चुअली
ମାନେ ମାଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁଜୀ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ କି ଆଗ ଶିଖ ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ମାନେ ଯେଉଁ ଖିଲାଡ଼ି ମାନେ ତ ଷ୍ଟେଜ୍ କୁ ଯେଉଁ ମାନେ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ମଝିକି ଆସିବେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଷ୍ଟେଜ୍ ଭୁଲ ଭାଲ କରୁଛୁ କିଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ବଟ୍ ମୋତେ ମନେ ଅଛି ମୁଁ ପାର୍କରେ ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା ମୁଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭଜନ ଗାଇଥିଲି ବୋଲେ ପିଞ୍ଜରେ କା ତୋତାରା ତ ମୋତେ ସେ ଗୀତର ସ୍ମୃତି ଗୋଟେ ମନେ ଅଛି ଆମେ ଏମିତି ଗୀତ କେମିତି ଗୀତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସ୍ଥାୟୀ ଅନ୍ତରା ସେକେଣ୍ଡ ଅନ୍ତରା ତାପରେ ଆମେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରୁ ତ ମୋତେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଥିଲି ମୋତେ ଗୀତ ମାନେ ଆଇ ନ୍ୟୁ ହାଉ ଟୁ ସିଙ୍ଗ୍ ବଟ୍ ମୋତେ ଜଣାନଥିଲା କେମିତି ଏଣ୍ଡ କରନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ କେମିତି ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ ଗାଇବା ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତ ଜଷ୍ଟ ସେ କହିଲେ କି ଛୋଟ ପିଲା ଆସିଗା ବୋଲେ ଆଚ୍ଛ ତ ମୋତେ ମନେ ଅଛି ଭଲସେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅନ୍ତରା ଗାଇଲି ସେକେଣ୍ଡ ଅନ୍ତରା ଗାଇଲି ମୋତେ ଗୀତ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଯଦି ତିଆହି କରନ୍ତି ମୋତେ କରି ଆସିଲାଣି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପୁରା ଗୀତ ଆଉ ଥରେ ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଗାଇଲି ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଣ୍ଡିଂ କରିପାରିଲି ଗୀତ ତ ଲାଇକ୍ ସେଟା ଆମର ମୋ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ଥିଲା କି ମାନେ ମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ ସିଙ୍ଗିଂ ଅଲଗା ଘରେ ସିଙ୍ଗିଂ ଅଲଗା ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ମୃତି ଥିଲା ମୋର ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସେମିତି କେବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ନା ତାପରେ ତାପରେ ସବୁ ତାପରେ ମୁଁ ମାନେ ତାପରେ ଦେଖିଲି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭୁଲ କଲା ପରେ ସେ ଜିନିଷ ରିଏଲାଇଜ୍ ହେଇଛି ତାପରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁ କି ନା ଏଇଟା କେମିତି ହେଲେ ଠିକ୍ ହବ ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୀତ ଶୁଣିଲି ନା ଏଇଟା ତ ଏମିତି ହେଉଛି ତ ମାନେ ତିନି ଥର କରିକି ଦୁଇ ଥର କି ଏମିତି ଏଣ୍ଡିଂ ହବ ତାପରେ ମୁଁ ଶିଖିଲି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିଲି ନାଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ନିଜେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ନିହାତି ଏଠି କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବା କି ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି କଲେ କି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସବୁ ସିଙ୍ଗର୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ କି ନାହିଁ ଆମେ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥରେ ପରଫର୍ମ କରିବା ସେମାନେ ବହୁତ ଲେଜେଣ୍ଡାରୀ ସିଙ୍ଗର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସବୁବେଳେ ସୁପର ହିଟ୍ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତ ତାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କେମିତି ଥିଲା ତା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଥିଲା କି ମୁଁ ମାନେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରିପେୟାର ଲାଇକ୍ ମାନେ ଆଜ୍ ଏ ସିଙ୍ଗର୍ ତମେ ସବୁବେଳେ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ଇନ୍ ରିଆଜ୍ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଥାଉ ତ ମୋର ଏମିତି ନଥିଲା କି ମୁଁ ଏଇଟା ଯିବି ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅଡିସନ୍ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରୁ ମାନେ ଆଇ ଟୁଡେ ଲାଇକ୍ ଇଭେନ୍ ଟୁଡେ ଆଇ ଟ୍ରାଏ ଫର୍ ଏଭ୍ରି ଅଡିସନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଯାହା ବି ହଉ ତ ଏମିତି ଯାଇଥିଲି ଜଷ୍ଟ ଅନ୍ ଅଡିସନ୍ ମୁଁ ମନେ ଅଛି ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଥିଲି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ ମାନେ କରିକି ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଅଡିସନ୍ ଥିଲା ତ ଆଇ ରିଟର୍ନ ଅରାଉଣ୍ଡ 12 ମୁଁ ଅଡିସନ୍ ଦେଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଓକେ ସବୁବେଳେ ହୁଏ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ କୋଲକାତା ହେଲା ତ ମୋତେ କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ନଥିଲା ବୋଇଲେ ଭଲ ହେଲା କୋଲକାତା ମୁଁ ସେଇଟା ଥାର୍ଡ ଟାଇମ୍ କୋଲକାତା ଯାଉଥିଲି ଯିବି କୋଲକାତା ଚଳ ତ ସେଇଠି ଗଲି ଦେର୍ ମୋତେ ଭଲ କହିଲେ ବହୁତ ମାନେ ସେଇଠି ଆଇ କ୍ଲିୟର୍ ଟୁ ରାଉଣ୍ଡସ୍ ତ ସେଇଠି ଆଇ ଗେଟ୍ ଟୁ ନୋ କି ମାନେ ସେଇଠୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କେତେଟା ବିକଜ୍ ପିଲାମାନେ ସବୁ ମାନେ କୋଲକାତା ସ୍ପେଶାଲି ତ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ଆସିଲେ ସବୁ ମାନେ ମାନେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତଠୁ ନେଇକି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ବୋକ ସବୁ ପୁରା ଜାଜ୍ ସବୁ ଆଉଥିଲେ ପୁରା ଟ୍ରେଣ୍ଡିକି ସବୁ ଆଉଥିଲେ ସେମାନେ ପୁରୁଣା ନୂଆ ଦେର୍ ମୁଁ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲି କି ନା ଲାଇକ୍ ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ଆସିଛି ମୁଁ ହାଭ୍ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ତାପରେ ଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ମାନେ ଦ ସଙ୍ଗସ୍ ଭଏସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେ ସଙ୍ଗସ୍ ଲାଇକ୍ ମୁଁ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମଟା ବଢ଼େଇଲି ସଙ୍ଗସ୍ର ଦେନ୍ ସେଇଠି ଦୁଇଟା ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର କଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା ଭଏସ୍ ଅଡିସନ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଅନ୍ ଫୋନ୍ ଲାଇକ୍ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଅଡିଓ ପଠେଇଲି ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁମ୍ବାଇରେ ଦୁଇଟା ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର କଲି ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଦୁଇଟା ରାଉଣ୍ଡ କଲା ପରେ ଦେବ ଷ୍ଟପ୍ ଥାର୍ଟି ମାନେ ସେଇଠି ଜଜେସ୍ ଥିଲେ ବିଶାଲ ଦଦଲାନୀ ଅନୁ ମଲ୍ଲିକ ଆଣ୍ଡ ନେହା କକ୍କର ତ ମୁଁ ସେଇଠି କ୍ଲାସ୍ 10th ଥିଲି ମାନେ ଆଇ ୱାଜ୍ ଦ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେୟାର ତ ମୁଁ ମୋତେ କହିଥିଲା ମୁଁ ବହୁତ ଡେଙ୍ଗା ପିଲା ତ ମୋତେ କହିଥିଲା ତୁ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଯା ବିକଜ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଭେରି ଟଲ୍ ଲାଇକ୍ ମୁଁ 5'10", 5'11" ସେତେବେଳେ ଥିଲି ତ ଦେ ଆଇ ୱାଜ୍ ଲାଇକ୍ ମୁଁ ୟୁନିଫର୍ମ ଯାଇଥିଲି ସ୍କୁଲକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ କଥା ଥିଲା କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ମୁଁ ବିକଜ୍ ଆଇ ଷ୍ଟଡି ଇନ୍ ଏ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟଡିଙ୍ଗ୍ ଇନ୍ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ ତ ସେଇଠି ମୋତେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଜ୍ ଅ ଗୁଡ୍ ବଟ୍ ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ପ୍ରମୋଟ୍ ଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମଚ୍ ୟୁ ଡୁ ଇଟ୍ ଓକେ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଡୁ ଇଟ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଷ୍ଟଡି ସାଙ୍ଗ କରିବ ତ ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିନଥିଲି ସ୍କୁଲରେ ତ ୱେନ୍ ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଦେର୍ ତ ଜଣା ମୁଁ ଆସିଲି ଯେ ଫେରିଲି ବ୍ୟାକ୍ ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଟିଭିରେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ତ ପୁରା ଲାଇକ୍ ସ୍କୁଲରେ ମୋତେ ଲାଇକ୍ ମାଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କିଏ ସେ ପୁରା ମାନେ ଆନାଉନ୍ସ ହେଲା ସ୍କୁଲରେ ପାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଏମିତି ସବୁ ପିଲା ଜାଣିଥିଲେ ସବୁ ତ ଟିଚର୍ ମାନେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ କଲେ ସବୁ ମାନେ ଇଏ ୱିଶେସ୍ ଦେଲେ ଟପ୍ 30ରେ ରହିବା ବହୁତ ଟଫ୍ କାରଣ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆଉ ସେମାନେ ଯେମିତି କହିଲେ ବହୁତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥାନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଜନରେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁ ତ ତା ଆଗରୁ ହିଁ ଆମକୁ ଥାଇକି ସବୁ ସିଙ୍ଗର ମାନଙ୍କର ଆମେ ସେଇଠି ପରଫର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବୁ ତ ଆପଣ କେଉଁ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ସେଇଠି ନେହାକ ଜଜେସ୍ ସମୟ ଗାଇଥିଲି ଦିଲ୍ ସମ୍ଭଲ ଯାତ୍ରା ଅରିଜିତ ସିଂ ମହମ୍ମଦ ଇରଫାନ ମୁଁ ସେଇଟା ଦିଲ୍ଲୀ ଶୁଣୁଛି ଜବ ଜବ ତେରେ ପାସ ମେ ଆୟା ଏକ ସୁକୁନ ମିଲା ଜିସେ ମେ ଥା ଭୁଲତା ଓ ବଜୁଦ ମିଲା ଜବ ଆଏ ମୌସମ ଗମ କେ ତୁଝେ ୟାଦ କିୟା ହୋ ଜବ ଠହରେ ତହନା ପନ କେ ତୁଝେ ୟାଦ କିୟା ସମ୍ଭଲ ଜା ଜରା ଫିର ମହବତ କରନେ ଚଲା ହୈ ତୁ ଦିଲ ଯହି ରୁକ ଜା ଜରା
फिर मोहब्बत करने चला है तू। वाह बहुत ही सुंदर एमती कॉम्प्लीमेंट आसीला कि नहीं अरिजीत सिंह मतलब को बहुत बुक भल अप मैंने कॉम्प्लीमेंट आसीला कि एते यंग वर्सेस एते मैच्योर वर्सेस अच्छी लाइक तमे नोट वोट तने से मैंने सेटी सोर पर के भूल करन देनी कि देखन तमे स्टाइल ऑफ सिंगिंग कोन अच्छी तमे कोटी वाइब्रेटो फॉल सेट हो कोटी तमे खर्च मैंने जो ये यूज करछ सही सब देख मैंने चेक करन ते एंड एंड नोटिस करन ते अच्छा जमी कह कि सही गायबा टे बहुत डिफिकल्ट थाए से माने जमी कहले कि सोरो नहीं कि अलग टे वेरिएशन देखनी टेक्निकली अलग था निहाती वाओ फैक्टर से मन को बहुत टे दरकार से माने चाहनी कि नहीं कौन मॉडिफाई करी पारु चोनी नुवा गीत को बस पुरुणा गीत को अलग वे रे केमती वेरिएशन दो चोनी तो सही टेंशन थिला जेते बडे परफॉर्म करिया पर पूर्व रु माने टेंशन तो नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल को आपन माने आपन गला पर ग्रूमिंग वे ग्रूमिंग प्रोसेस चले जाई तो मु गली सेटा सेटी माने आपन लाइक माने मैंने एटमोसफियर एमती कि आप 24 घंटा खाली गीत ही गाइबे मैंने आपड़ा गाँवे कि आउ रूम गाँव कि ऊपर स्टेयर गई थोड़ा कि मैंने डाइनिंग हल्ले गाँव तो सब यू विल बी सराउंडेड मैंने म्यूजिक ही बोलते सब एमती नहीं कि तुमने आउ किसी कथा अरे ये गीत कलु से गीत कलु सही चलते से हेल्दी कंपटीशन लाइक मो जो मैंने जे भी रूममेट थे से भी मैंने मत से बड़ थे सिक्स इयर एल्डर टू मी तो से कहते कि यहाँ एमती लाइक ही हैड बीन टू आइडल बिफोर तो से कहते कि यहाँ कर यहाँ भल लगे यहाँ कर यहाँ भल लगुनी तो एंड सही गोटे जिनस कि एमती नहीं कि मैंने किसी भी काम एक्स्ट्रा काम तुम दे विल लुक कि तुम्हें फिल रच गीत मैंने जो एसेन्स मेन्टेन होंड यू आर पुटिंग तुम किसी निज जिन जहाँ भी पकाउ लाइक स्वर है कि मुर्की एनिथिंग एक्स्ट्रा लगे कथा न बट कम भी लगे कथा ना यू हैव टू मेन्टेन दैट बैलेंस से बैलेंस मैंने मेन्टेन करा को बहुत पीला प्रॉब्लम से प्रॉब्लम बहुत जन अच्छा दैट वाज द रीजन मैंने मुझे एमती नहीं कि बहुत काम तुम गीत है मुझे नॉर्मली गाए दी तीन टा काम एक्स्ट्रा पकई तो सी कहे कि ना यहाँ भल लगुच डोंट टच एनिथिंग विद इट मुझे जहाँ गाई थी जो मेंटर्स थे सही तो से कहते किसी लागे पर परफेक्ट अच्छी बस प्रैक्टिस ऑन इट टू फील एवरीथिंग एल्स इज फाइन आप को टाइप रो बेसी गीत गाइबा को भल लागे को मु फर्स्ट टाइम सिंगर बट मु मोस्टली सेमी क्लासिकल की रोमांटिक का दिया गाए अच्छा ओडिया बहुत सारा गीत आप गई जोड़ा बहुत सुपर हिट हो बहुत बहुत भल सिंगर मान सहित गई फर्स्ट रेकर्डिंग कारण स्टेज परफर्म करवा शो रे अलग था रेकर्डिंग बहुत डिफिकल्ट था तो रेकर्डिंग कौन मेमोरी अच्छी रेकर्डिंग मोर फर्स्ट मेमोरी थी कि फर्स्ट गीत आसिया मैम सहित करी तू मोर खास जड़े तो सहीटा मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मुझे नुआ आसती फील्ड को मैंने पूरा नुआ एकदम फ्रेश थी तो मुझे मैंने स्वर तल जाना बट टेक्निक्स कौन जाना था मैंने माइक प्लेसिंग के डिस्टेंस रही पुणी एमती गोटे था मैंने सोलो गाइबा अलगा डुएट कंपेयर कर सेटिकल बिकॉज़ यू टू लिसन टू सिंगर जहां मैम गाइबे तमे से फॉलो करके मैम की जहां मैम मु गई छी मैम सेटा फॉलो करिए दिजन को स्केल बे मैच करबा निहाति दरकार तो गोटे जिंस था कि हमें जो माइक नॉर्मल गा में फ ब जहां भी को हेटा 30 नी माइक ट बाजे नी बट हमें जो स्टूडियो में करियो फ भ आपण जान थे बेटा लिखी लैपटॉप जणा पड़े तो फ टिके साइड रे को माने जणा पड़े जो आपण भ कहले साइड रु कहया पड़े सीधा कलर मारो फाटी जो हेटा ए विषय त अनेक कथा बा हम सते जने कलर जन को जन कॉल दिना अगेन श्योर हेलो हेलो गीत उच्च फुले आरिता पीठा गछरे चढ़े गाए कमला एठी बासी पखाल भी लागे बढ़िया मुगर बे कही भी एसी की मोड़िया मोड़िया वाह बहुत ही सुंदर आम समस्ते प्राउड फील करवा कथा आम निहाती ओडिया बोली आउ इते सुंदर गीत पाई थैंक यू सो मच नमस्कार नमस्कार जय जगन्नाथ नमस्कार जय जगन्नाथ मा दीदी केमती अछंती मो बहुत बढ़िया छे आपण केमती अछंती बहुत दिन पर कॉल गले आज्ञा दीदी आज्ञा दीदी आपण जानि मते मने रखछंती एति पाई बहुत बहुत खुशी लागिस आज्ञा आउ अभिजीत भाई केमती अछंती मो भला आउ आउ आपण केमते अछंती बहुत भल गीत गाइले माने ओडिया बेस गीत मत भल लागला कि आमे ओडिया बहुत भल गीत गाइले आपण आज्ञा भाई मुई आपण के बड़ा ए गीत आपण को मुई इंटर इडा ता माने दैतिनी तो आपण को प्रेजेंट करथिन सेटा आज्ञा आपण भी बहुत ही भल गीत गाउछंती आ मु तो बाथरूम सिंगर के नै कि केते के स्टेज तो जाई नै किंतु आपण को गीत मते बहुत ही भल लागिता है काहेकि ना आपण जते बेले के शो मानन करे जते प्रेजेंट करछंती किबा आइ
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ମାନଙ୍କ ଯାଉଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀ ଶୋ ମାନଙ୍କରେ, ଓଡ଼ିଆ ଶୋ ଆମର ମଞ୍ଜିରେ ଟିଭିରେ ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଆସିଲେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ରହିପାରିବିନି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଟିକେ କଲ୍ କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ, ତ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ମୁଁ ଏମିତି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଲ୍ କଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ କଥା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। थैंक यू थैंक यू। मतलब भल लगे आप बहुत भल एप्रिसीएट कले, मैंने एमती नहीं कि ये मैंने भल वे एप्रिसीएट कले, भल लगे बहुत। थैंक यू नया तो बड़ा था। हेलो हेलो आज्ञा कौन कहले? अभिजीत भाई वर्तमान एबे कोन पढछंती बोली पचाइबा चाहू। मु एक्चुअली एबे मु 10th पढ छी आईसीएस रु, तबे 12th सीबीएसई ल मोर, मु कोविड बैच माने मु 10th परीक्षा दे 12th परीक्षा दे, तबे एना मु बीटेक कर छी सीटी कॉलेज रे। थैंक यू सो मच, आपनको भल पाइबा एमते सबबेले थाउ, बहुत भल लागला, बहुत दिन पर कॉल करले, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नीति जिम भी कहली कि आम सबुबले प्राउडफुल करूँ कि आम ओडिया बोली, आम भाषा को लेकिन हूँ, आम पखाड़ खाइबा कथ को लेकिन हूँ, आम ड्रेस कल्चर कथ कहूँ, सबकि जिन बहुत यूनिक थाए। एमती इच्छा अच्छे कि बाहर, कारण जितेबाला आप इंडियन आइडल कथ कहूँ, बाहर किसी रियालीटी शो पार्टिसिपेट करती, तो हिंदी हूँ इंग्लीश हूँ अलग किसी लांगुएज आपको गीत गायबा को पड़े, एमती एवं इच्छा अच्छे कि नहीं आप बाहर स्टेज गाइबे बट ओडिया गीत को लेकिन श्योर मुझे तो चाहूँगी कि एक्चुअली मोर या मैंने धारणा कि जमी ओडिया मुझे बहुत किसी पुर्णा गीत शुणी लाइक दैट इज वेरी लाइक बहुत यूनिक है, मैंने हिंदी लेवल टू मुझे भी भल गीत पाखापाखि मैं रघुनाथ पाणी रुँ अक्षय मानती, तो तांको गीत मुझे चाहिए कि पुर्णा गीत फ्यूजन करके नुआ किसी जो आने नुआ ट्रेंडिंग गीत कि जहाँ भी किसी नुआ टेस्ट सहित पुर्णा गीत, बट एमती नहीं कि गीत खराब हो, मैंने हाथ मारे हाथ मारे कथा गोटे मैंने बहुत बड़ कथ, तो से ट्राए करी एज अ म्यूजिक डायरेक्टर और एज सिंगर मुझे चाहिए मैं गीतर मैंने रेस्पेक्ट भी था, बट नुआ गीत फ्यूजन काइंड ऑफ थिंग मैंने विद क्लासिकल समथिंग बट सेमी क्लासिकल जो मैंने जोड़े चली सुनिबा को जोड़ा भलो लागतबा आउ सेईटा को सेई लेवल ने हम नै परबा, एंड एज अ लाइक तम लाइक एज अ नॉर्मल ऑडियंस आल्सो विल फील कि तम मैंने भल लागे, एंड एज अ मैंने गुणी जणो जो थांती मैंने तांको भी भल लागे गीतटा कि मैंने पुर्णा गीत को मैंने खराब करनी कि नुआ गीत रे एमती मैंने एमती लागो नै कि मैंने नुआ गीत अलग ने पुर्णा गीत अलग जब से फ्यूजन टा रहू, एंड जदि सिमदी चांस मिले तो को गीत को फ्यूजन करे पे चेष्टा करू, गोटे गीत करथली मु सार्थक रा फाइनल रे गाइथिले आग चंद्रिका, सेटा मु माने जैज पूरा माने पूरा जैज बस मु गाइथिले आजकल म्यूजिक बस फुल जैज मु दिले सुनि कर आग चंद्रिका जाओ ना, आग चंद्रिका जाओ ना, आग चंद्रिका ए अखिर सबुज माया कामनार रूप छाया सरी जीव तुम्हें जणना, आगो चंद्रिका जाओ ना, आगो चंद्रिका। अरे बहुत सुंदर, किसी कॉम्प्लीमेंट मिली थी कि नहीं पुराना गीत को जितना हम टिके छेड़खानी करू तो बहुत टेंशन थाए कि नाई पुराना गीत आमान सहित जदि आम से फ्रंट जब गाऊे कौन रिव्यू आसब मैंने गीत स्मृति कहूँ मुझे फाइनाल सार्थक फाइनाल थी सारे गाँव पार सही बाबूशान आसते लकीली, तो से मतलब स्टैंडिंग ओशन देते गुडली सर स्टैंडिंग ओशन देते, एंड दीप्ति मैम असीमा मैम कृष्णा सर भी स्टैंडिंग ओशन देते इवन कृष्णा सर से कहले कि लाइक आई वाज नॉट फीलिंग कृष्णा सर कॉम्प्लीमेंट थे कि से कहले कि आई वाज फीलिंग दैट आई वाज इन अ ओडिया कंपटीशन, आई वाज फीलिंग दैट आई वाज इन अ नेशनल कंपटीशन वेयर ओडिया सॉन्ग वाज लाइक प्रेजेंटेड दिस ब्यूटीफुली, तांको बहुत भलो भलो कॉम्प्लीमेंट थे कहले कि मैंने यू हैवंट मत दीप्ति बापा कहते कि गीत खराब लगे मैंने एमती लगे कि तुम गीत आनल गोटे गाइल गोटे एमती किसी लगे जहाँ थी से गाइल एड कल जिन किसी मैंने मैंने एमती नहीं कि जिन गोटे मैंने काट दी काम काट दी एड कल जहाँ भी कल तो भल लगे अच्छा सेटा बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट कि नहीं आम ओडिशा स्टेज रे परफॉर्म करूचे सेटा भी कंपटीशन रे आउ सेटा को भाबुचें कि नहीं आम नेशनल लेवल रे सही लेवल कंपटीशन मध्य है छे एते सुंदर जते कॉम्प्लीमेंट मिलिटी टेंशन हो जाए कि नहीं आगु को जते बेले एते सुंदर सुंदर कॉम्प्लीमेंट मिलु छे बा एते पिला माने अछंती सेटा प्रेशर थाए कि नहीं परफॉर्म करे आपन माने मोस्टली आपन गीत भलो पाइबे त आपन जणा थे कोटा जिंस बोले मोस्टली मते एंती होए कि मुजा गाई छी मैं जाना था मतलब इवन इफ द अदर पर्सन प्रेजिंग बट मुझे भल लगे मो मन था कि नहीं ठीक अच्छे से प्रेस भल लगे बट मत भल लगे से जिन जहाँ भी स्टेज जहाँ मुझे गाइली टी कौन बेस्ट रही लाइव रे हुए कि मुझ मो बेस्ट दे पारि
ସବୁବେଳେ କୁହେ କି ଆମେ ବେଷ୍ଟ ଦେଉ ବଟ୍ ସବୁବେଳେ ଦେଇପାରନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ କି ନାହିଁ କି ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ତ ହୁଏ କେବେ କେବେ ମାନେ ମୁଁ ବି ଏମିତି ସୋଜ୍ ହୁଏ କି ସୋଜ୍ 2 ଘଣ୍ଟା ଥିବ ବଟ୍ ଫର୍ ସମ୍ ସର୍କମ୍ଷ୍ଟାନ୍ସ ସୋ ଅଧା ଘଣ୍ଟା କି 20 ମିନିଟ୍ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଏ କି ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଏ ତ ଖରାପ ଲାଗେ 2 ଘଣ୍ଟା ସୋ ପ୍ରିପେୟାର କରି ଆସିଥିବେ ମାନେ ଗୋଟେ ମୁଁ ସେଟ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିବି ଯାହା ବି 15 ଗୀତର ବଟ୍ କମେଇବାକୁ ପଡ଼େ ପୁଣି ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ନେଇକି ମାନେ ଆୟ ମୁଁ କ'ଣ 10 ଗୀତ ନେଇକି ଯାଏ 10-15 ତାପରେ ଯାହା ବି ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିଲେ ପ୍ରିପେୟାର କରେ ଆଜ୍ଞା ବଟ୍ ସୋ ଛୋଟ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ମାନେ ତମେ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ମାନେ ତମେ ନିଜେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଏନ୍ସ ବି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗେ କି ମାନେ ମୁଁ ତ ଏମିତି ନାହିଁ କି କ୍ଲାସ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିକି ଯଦି ହେଇଯାଇଥିବ ମେବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି କି ଆରେ ଅଭିଜିତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ହଉ ବା କ୍ଲାସ ରେ ସମସ୍ତେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିବେ ଗୋଟେ ଗୀତ ପାଇଁ ଟିଚର ସହିତ ହେଇଛି କି ମାନେ କ୍ଲାସ ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଇ 10 ମିନିଟ ଆସ ଗୀତ ଦୁଇ ତିନିଟା ସେମିତି ହେଇଛି ମୋର ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋର ଗୋଟେ ସାର୍ ଥିଲେ ତ ମାନେ ହି ୱାଜ୍ ଅ ବିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କି ନାହିଁ ତ ହି ୱାଜ୍ ଅ ବିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲେ ଟିକେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ମୁଁ ପରମିଶନ ମାଗୁଥିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଲ୍ୟାବ୍ କରିପାରିବିନି ମୋର ଇଏ ଅଛି ତ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ସ୍କିପ୍ ଦ ଲ୍ୟାବ୍ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ପରେ ଆସିକି କରିଦେବି ତ ସେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲେ କି ନା ଯାହା ହବ ଲ୍ୟାବ୍ରେ କଥା ତ ଲାଗେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେକେଣ୍ଡ ଡେରେ ମୋର ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଜେ ନିଜେ ଗଜଲ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଜଲ ସିଙ୍ଗର ମୁଁ ଗଜଲ ବହୁତ ଗାଏ ମାନେ ସେମି କ୍ଲାସିକାଲ ମୋର ଇଏ ଅଛି ତ ମୁଁ ଗଜଲ ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରେ ତ ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ତ ମୁଁ ସାର୍ କହିଲି କି ସାର୍ ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ ସାର୍ ଦେଲି କି ସାର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ସରକାର ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ କ'ଣ ଯାଇକି କଲେଜରେ ପୁରା ବ୍ୟାନର ନା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ତ ବୋଲେ ସାର୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଯା ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଲାଇକ୍ ଭେରି ଇଏ ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ସେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଲାଇକ୍ ନୋଇଙ୍ଗ ଆବାଉଟ୍ ମାଇ ସିଙ୍ଗିଂ ସେ ମୋର ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ବି କରନ୍ତି ଗୀତ ଅନଲାଇନ୍ ବି ତ ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ମାନେ ସେ କହିଲେ ମାନେ ମୋର ଲିଟରାଲି ମୋର କଲେଜ 3-4 ବ୍ୟାନ୍ ଲାଗେ ପିଲା ଦେଖୁଥିଲି କି ଆରେ ଇଏ ସିଙ୍ଗର୍ ଏମିତି ପୁଣି ଆମେ 2 ଜଣ ମାନେ ସିଟ୍ରୁ ଥିଲୁ ସୋ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନେ ମୋ ଭିସି ଯେଉଁ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର୍ ସେ ଜାଣିଲେ ଆମ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ହେଡ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜାଣିଲି ମୁଁ ଇଏନ୍ଡିଆର ଆମର ମୁଁ ଇଏନ୍ଡିଆ ବ୍ରାଞ୍ଚର ତ ଏଚ୍ଓଡି ଜାଣିଲି ଆମର ଟିଚର୍ ସବୁ ଜାଣିଲି ତାପରଠୁ ମାନେ ଲ୍ୟାବ୍ ଛୁଟି ନେବା ପଡ଼େ ଯାହା ବି ତ ଇଜି ବେଲ ହେବାକୁ ମୋତେ କୁହନ୍ତି କି ଆଚ୍ଛା ହଁ ଗୀତା ପିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଘରେ ବି ଏମିତି ହୁଏ କାରଣ ନର୍ମାଲି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କି ଜଣେ ବହୁତ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି ବା ଜଣେ କିଏ ଡାନ୍ସର ଅଛନ୍ତି କି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିବେ ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଥିଲେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବହୁତ କୁହନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆଉ ଘରେ କିଏ ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଆରେ ଆମ ପୁଅ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଗରୁ ହଉଥିଲା ବାପା କହୁଥିଲେ ଏବେ କ'ଣ ସେ ବି ଆସିଲା ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁବେଳେ ପ୍ରିପେୟାର ହବାକୁ ପଡେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରିପେୟାର ରହିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ କିଏ ଜଣେ ଗେଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ମତେ ଗୀତ ଆଚ୍ଛା କୋଉ ଗୀତ ବେଶୀ ଆପଣ ସବୁ ଟାଇମରେ ଗାଇଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନର୍ମାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ ଆରେ ଏଇ ଗୀତଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗାଇବା ପାଇଁ ମୋର ମଝିରେ ହେଇଥିଲା କି ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ସମୟ ଗାଇଥିଲି ଏଇ ସାର୍ଥକରେ ସେଇଠି ଅର୍ଚିତା ମ୍ୟାମ୍ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗେ ତା ସହିତ ଇଏ ଡାନ୍ସ କରିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ମୋ ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ 1.5 କେତେ ଅରାଉଣ୍ଡ 5-6 ମିଲିୟନ୍ ୟୁଜ୍ ପଳେଇଥିଲା ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ତ ସେଇଟା ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ହିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତ ମୋତେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୋଷ୍ଟଲି ଗଲେ ଏଇ ଗୀତର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ କେଉଁଠି ଟିକେ ଥାଏ ତ ଏଇ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସେ ତ ତା'ର 2 ଜଣ ଶୁଣୁଛୁ ନିହାତି तू धीरे धीरे चल रे समय 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 लज कुली चांद मुहे कलाटे पनाई देवी फसबुणी पवन को ପରିବୁନି ଚାହିଁଦେବି ଢାଳ ଢାଳ କାକରକୁ ଖରା ଠାରୁ ଲୁଚେଇବି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ରଙ୍ଗ ଆଣି ତା ବାଟରେ ବୁଣିଦେବି ଇଚ୍ଛା ପୁଣି ତୋର ସ୍ମୃତି ରଖିଛି ମୁଁ ସାଇତି ଜିଜିବି କିଛି ଦିନ ଆଉ କିଛି ରାତି ସ୍ୱପ୍ନ କାଳେ ସରିଯିବ ଲାଗେ ଭାରି ଭୟ ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ ରେ ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ ରେ ସମୟ ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ ରେ ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ ରେ ସମୟ
बहुत ही सुंदर एमिति जदि आपण गीत गाइबे त समस्त कहबे धीरे धीरे ही चाल समय समय बिल्कुल भी न जाओ जिंदी कहली कि आपण को वॉइस आपण को एज अनुसार बहुत मैच्योर जिंदी आखि बंद करी जदि सुनिबे त लागिबे कि नाही जणे प्लेबैक सिंगर गाउ चंती सेमति गीत गाउ चंती त एमिति केबे हेछि कि आपण से कोन कंपटीशन जाइथिबे त आपण को जजेस माने आगुर कह देथिबे कि आपण को वॉइस पूरा परफेक्ट प्लेबैक करबा पई आपण ऑडिशन को क्विट कर दियंतु दे हे छके ए टाइम एमते बे हेनी माने 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 चाहंती आगु जा माने तांको माने शो बे ना हो कि मोर बे ना हो मो एटा गोड इंसिडेंट हे छके मो जा भी कंपटीशन होतली अगर तो मो 15 तळे थली मो जूनियर होतली तो फर्स्ट तो मो डेंगा थली एंड मो वॉइस बहुत जल्दी मैच्योर हेतला मो क्लास 6 रे मो वॉइस माने मैच्योर हेतला तो मो जाउतली को कंपटीशन माने फर्स्ट डेंगा त वॉइस मैच्योर तो लागो तला मो सीनियर तो मते मो माने जो कंपटीशन भी मुझे फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ना मुझे छोट पिला अच्छी मोर एज कम मैंने एज कम बट हाइट लंबा वॉइस मैच्योर से कहे कि दैट वाज द रीजन मतलब आइडल मैंने 15 वर्ष मैंने लिमिट वाज 15 टू 13 मतलब 15 वर्ष कहले तो आइडल आस लंबा अच्छी वॉइस मैच्योर अच्छी तो बोला कि प्रॉब्लम कौन आस यू विल बी हैव एन अपर हैंड सीनियर अच्छा तो छोट अच्छे तो यू विल हैव एन अपर हैंड ऑन देम ऑल्सो तो दैट वाज द रीजन विच मतलब मत चाहिए अच्छा हाँ ठीक अच्छे आई कैन कम्पीट विद सीनियर ऑल्सो तो समस्त कहते कि बहुत हाइट आमको दरकार जो मैंने शॉर्ट हाइट समस्त चाहते कि नहीं कि हाइट हो बा वॉइस हो कि सब जिन मेरिट और डिमेरिट अच्छे तो निहत जानवा मो सहित जो कलर जॉइन कर हेलो हेलो नमस्कार किए कौन अच्छा आज आम सहित अभिजीत अच्छा कथ हूँ हेलो नमस्कार भाई कौन तू भाई टीवी रो वॉल्यूम रे टिके म्यूट कर दियंदु तापर डायरेक्ट कथा होंदु भाई नमस्कार भाई भलो छ आज्ञा आपो केन मु भलो छि आज्ञा एकदम सुन के बहुत भलो थैंक यू आपो देखिबो कथा होई कोन नेति को गीतटे बेसी भल लागे आपनको हेलो हेलो सुनि परचंदी मे बी होत ऑफ ऑनलाइन टी कटि जाय छी आ मु जें कहते कि सब जिंस रो कोटे हम जेतल किछ कोटे जिंस हमको वा फैक्टर मिले तो तार कोटे मेरिट थाय डिमेरिट थाय एमते किछ हेय छी कि हाइट पई आउ मैच्योर वॉइस पई आपनको किछ एक्स्ट्रा किछ मिले थी जहां भी एबे तो सीनियर किछ माने असुविधा होनी बट जूनियर मते बहुत असुविधा छी माने जोठी जमले मु 13 इयर्स थी भी लाइक मते लिटरली कहि चंती मु नेशनल शो जाई थी जो सम सोनी रो कोन थिला तो मु जाई थी मु 13 वर्ष रो थी तो मैंने मु गली से एटी गायली गीत तो बढ़िया हो तो कहले मार एज के तुम तो 15 प्लस लगते बोले नहीं सर मैं 13 का ही 13 तो बोले कि नहीं तुम देखते तो बिकॉज तुम जो शो में आ रहे हो हाफ बच्चे तुम्हारे लिट्टी कमर तक आएंगे तुम इतने लंबे तो लेंगे तो टीम में ऑब्वियसली ऑब्जेक्शन होगा पर पता तुम लोग तुम्हारा वो है वी कैन प्रोड्यूस द डेट ऑफ बर्थ बट तुम्हारा बहुत टीवी रे भी हमें शो भी कर ही पारी पारी में नहीं कि बिकॉज़ टीवी रे था ना टिके छोटे पिला जो भलो आउछ मते त डेंगा अछि पुनी जूनियर शो रछि तो दैट वाज अ बिट ऑफ डीमेरिट फॉर मी बट ठीक अछि हाइट मोर भलो लाइक आई एम हैप्पी फॉर दैट अच्छा एबे तो नियाति बाबरे हाइट रो बहुत फायदा के केमती कॉम्प्लीमेंट करै छथि एते सुंदर हाइट एते सुंदर देखा जाउ छथि आ मॉडलिंग ने केबे ट्राई करन दो को दे मॉडलिंग मॉडलिंग मते कॉमन मु मॉडलिंग मते तिन त को हम दो तिन त मॉडलिंग करी जे माने माने स्कूल वुल रे जा भी हेतला मु स्कूल रे फेयरवेल रे मु मॉडलिंग कर के पाई छी भी मिस्टर फेयरवेल दी थरा पाई छी मु 10th 12th दी थरा तो मॉडलिंग मोर मते भल लागे मॉडलिंग करिया बट तको आगो के बे जे चांस मिले फिल्म रे हो इस म्यूजिक वीडियो रे हो के एक्टिंग पाई म्यूजिक बट मु इतना करी छी बट माने एते प्रोफेशनली करनी बट मु करी छी त इन फ्यूचर भाबु छी माने आई वुड ट्राई टू लेकिन जहां मु निजे गीत असला आई वुड ट्राई टू एक्ट इन दैट सॉन्ग्स टू अच्छा कहा को फॉलो करते निज लाइफ जमी कहते हैं सब सिंगर मैंने लुक कथ कहुतु वॉइस कथ कहुतु समस्त कहते फॉलो मैंने लुक ले आई मोस्टली फॉलो शाहरुख खान जमी से बिल्ड मैंने ड्रेसअप भी आसती ऋतिक रोशन मैंने ड्रेसअप मैंने लाइक ऑलवेज मेंटेन नीट एंड क्लीन सबसे आसती एंड सिंगिंग में मोर एमती के सिंगल आइटल बहुत सारे अच्छे मैंने डिफरेंट जॉनर्स डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स मो पुनर्ल मोहम्मद रफी साहब सोनू निगम जी अरिजीत सिंह को फॉलो करे अरमान मलिक को फॉलो करे अलग अलग मैंने जिनस अच्छे बहुत सारा मुझे क्लासिकल बहुत सारा फॉलो करे राशिद खान जी एक्सपायर कर फॉलो करती तो बहुत सारा जिन मैंने एमती नहीं कि मैंने समस्त गोटे गोटे जिनस भल था तो सही यू हैव टू सी कि कौन कहार भल सही टू ग्रास्प एंड अच्छा
ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଆପଣ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଫିଲ୍ମରେ ଅଫର୍ ମିଳେ ତ କେଉଁ ହିରୋଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ମୋତେ ବାବୁଶାନଙ୍କ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ମିଳିଥିଲା, ମାନେ ବାବୁଶାନ କହିଥିଲେ କି ଭିଡିଓ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଲିକ୍ସନାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଆସିନି ସେଭଳିଆ କିଛି, ତ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଚିତା ମ୍ୟାମ୍ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ ପାଇଁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲଭ୍ ଟୁ ଡୁ ଅ ଫିଲ୍ମ, ତ ଅର୍ଚିତା ମ୍ୟାମ୍ ମୋତେ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେବେ ଭଗବାନ କରିବେ ଆସିବ ଅଫର୍ ଫର୍ ସିଓର୍। ନିହାତି ସେଇଟା ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ରେକର୍ଡିଂ ହବ ତାର ଅଟୋମେଟିକ ସେଇ ଗିଫ୍ଟଟା ବି ନିହାତି ଅଭିଜିତ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦେବେ। ବାହାର କେବେ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି କି ନାହିଁ, ବାହାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳେ କେଉଁ ସିଙ୍ଗର୍ ବା କେଉଁ ସିଙ୍ଗର୍ଙ୍କ ସହିତ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ମୋର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଆଇଡ଼ଲ ହେଲେ ରେହମାନ ସାର୍, ମୋର ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ ଯାହା ବି ମାନେ ଯାହା ବି ମ୍ୟୁଜିକାଲି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି କି ଯାହା ବି ମାନେ ରିଦମ୍ ସେନ୍ସ ହଉ କି ଯାହା ବି କର୍ଡ଼ସ ବାଜେ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖି ଯାହା ଶିଖିଛି, ମାନେ ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ ଗୀତ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଇନ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଅ ଡିକ୍ସନାରୀ। ମାନେ ମୁଁ ଗୀତ ବହୁତ ସାରା ଗୀତ ଅଛି ଏମିତି, ମୁଁ 20 ଥର ଶୁଣିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼େ କି ମାନେ ଆଜ୍ ଏ ତମେ ନାଇଁ ଲିସନର୍, ଆମେ କ'ଣ ଗୀତ ଶୁଣୁ, ଆଜ୍ ଏ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ କି ଆମେ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗର ବି ଲିସନ୍ କି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବାଛି, ବେସ୍ ଗିଟାର ବାଛି, ଏଇଟା ଗିଟାର ବାଛି, ଏଇଟା ତବଲା ଏଇଠି ବାଛି, ତବଲା ବାଛି, ପଛରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶୁଣୁ, ତ ସେଇଟା ଶୁଣିବାକୁ ମିନିମମ 20-25 ଶୁଣିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼େ କି ହଁ ଏଇଟା ବାଛି, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ମାନେ ଲାଇକ୍ ମାନେ ଇଟ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଲେଭେଲ୍ସରେ ଥାଏ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଭେଲ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଲେଭେଲ୍, ଥାର୍ଡ ଲେଭେଲ୍, ଫୋର୍ଥ ଲେଭେଲ୍, ଆଜ୍ ୟୁ ଗୋ ଡିପର ତମେ ସେତେ ମାନେ ମଜା ପାଇବ। ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ସିଙ୍ଗର ମୋତେ ଅରିଜିତ ସିଂ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ଆଜ୍ ଏ ଡାଉନ୍ ଲାଇକ୍ ଭେରି ଡାଉନ୍ ଟୁ ଅର୍ଥ ପର୍ସନ୍, କ୍ଲାସିକାଲି ଭେରି ସାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବଟ୍ ଦେଖାନ୍ତିନି କି ମୋତେ କ୍ଲାସିକାଲ ଜଣା କି ମୁଁ ଏତେ ସିଙ୍ଗର, ଆରାମସେ ଭେରି ସିମ୍ପଲ, ବହୁତ ଭଲ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭଏସ୍, ଏମିତି ନାହିଁ କ୍ଲାସିକାଲ ଆସିଛି, ମାନେ ସବୁ ଗୀତ କ୍ଲାସିକାଲ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମୁର୍କି ନା ଭେରି ନର୍ମାଲ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଗାଉଛନ୍ତି, ମାନେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଶୁଣି ଲାଗିବନି କ୍ଲାସିକାଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ବଟ୍ ସେ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସିକାଲ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଇ ସିଙ୍ଗିଂ ଲାଇକ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମାଷ୍ଟର୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାସିକାଲ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। କହିପାରିବ କି ସିମ୍ପଲ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟିଭ, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଗ୍ରାସ୍ପ କରିବ ସେ ଜିନିଷଟା। ନିଦି ଯଦି କେବେ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯିବ, ଲାଇଭ୍ କନ୍ସର୍ଟ ହଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉ, ଅରିଜିତ ସିଂ ଏବେ କରୁନାହାନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମୁଁ ବାହାରେ କେବେ ତାଙ୍କ କନସର୍ଟ କରିନି, ଏଆର ରହମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଲକିଲି ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସେଇଥିରେ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଲାଇକ୍ ଲାଇଭ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା, ତ ସେଇଟା ବାସ୍ ଭେରି ମେସମରାଇଜିଂ। ମୋର ସୌଣିକଙ୍କୁ ମୁଁ 2-3 ଥର ମାନେ ଶୁଣିଛି, ତାଙ୍କ ଲାଇକ୍ ଲିଟରାଲି ସି ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଯାହା ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାହା, ମାନେ ନୋଟ୍ ଖସିବାର ନାହିଁ, ସେ ଡେଉଁଥିବେ ମାନେ ଲିଟରାଲି କଥା ହଉଥିବେ ସବୁ ସ୍ୱରରେ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ମାନେ ସେଟା ଫିମେଲ ପାର୍ଟଟା, ସେ ଫିମେଲ ମେଲ୍ ସବୁ ଗାଇଲେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ମଦନ ସାଉଣ୍ଡିଂ କି ସାଉଣ୍ଡିଂ ସାର୍ ଗାଉଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ସାଉଣ୍ଡିଂ କିଏ ଫିମେଲ ସିଙ୍ଗର ଗାଉଛି, ଆଣ୍ଡ ସେ ମାନେ ଯେଉଁ ଶିଫ୍ଟ ଥାଏ ମାନେ ଫଲସେଟ ମାଷ୍ଟର ମାନେ ପୁରା ତାଙ୍କୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ସିଙ୍ଗର, ଫିଲ୍ ବିବ୍ରାଟୋ ଫଲସେଟ ଯାହା ବି ହଉ ସବୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ସିଙ୍ଗର। ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଗୀତଟି ବେଶୀ ଫେଭରେଟ, ଆପଣ କେଉଁ ଗୀତରେ ବେଶୀ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି? ସୋନିଙ୍କ ବହୁତ ସାରା ଗୀତ ଅଛି, ସୋନି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନା, ଯେକୌଣସି ଅରିଜିତ ସାର୍ଙ୍କ ହଉ ବା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋତେ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସିକ ଗୋଟେ ଆୟାତ ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ਹਾਂ
सो मच एते सुंदर गीत पई हम से जने कलर जॉइन कर छन तांको हेलो हेलो नमस्कार सुनि पर छंदी नमस्कार उर्मिला मैडम केमते अछंदी बहुत बढ़िया अच्छी मो सहित जो अभिजित भी अच्छा से भी बहुत सुंदर टिके पूर्व एत सुंदर गीत भी मध्ये सुनेले मैडम को बहुत सारा एका सहित बहुत सारा विश अछि कि परिवार के अच्छा आगे म्यूजिक नहीं कि कौन प्लान अच्छी आगे कौन प्लान अच्छी आ गोटे गोटे सुंदर फरमाइश अच्छी गोटे सुंदर गीत मो घर ना बापा तो मोस्टली बाहर काम करते मेरी एमती अच्छे कि 3 months ऑनशिप 2 months घर तो 2 months घर मैं पूरा घर मम्मी होम मेकर बट लाइक जो भी प्रोग्राम हो जहां मम्मी नहीं होती निहाती मामांकर सब बड़ कंट्रीब्यूशन मामांकर अच्छे कि सब जिनस कारण बाबा बाहर रोचंती घर भी संभालिबा आपन को नहीं कि बा जेम कहले कि सब जगह रे मामा आपन को सतो सब बड़े थांती आईटी वाले माने एमती नहीं कि माने माने सब माने सब बड़े माने कोठी शो जाए सपोर्टर सब साथ थांती कि छेले माने मामा अच्छे बच्चे हो सेटा पापा आसले पापा बहुत एंजॉय करंती माने पापा इज लाइक म्यूजिकल में जो उठी गले पापा गीत सब बड़े गीत धरते गजल हो ये हो जेजे बापा छथि जेजे मामा छथि घरे जेजे बापा वाज एन रिटायर्ड ही इज एन रिटायर्ड कलेक्टर तो ही इज आल्सो माने संग तंक माने बहुत शौकी एंड मो बिलोंग इन वेस्टर्न ओडिसा रो लाइक आई एम फ्रॉम बलांगीर मो गांव बलांगीर तो घरे मोरो माने मो जो इंडस्ट्री आसे नुआ ना ओडियन समरपुरी माने देखा को बहुत समान बट बहुत डिफरेंट भिन्न तो सही थे कौन थे कि मु इंडस्ट्री असली बहुत मैंने कौन ओडिया जो ल अच्छी ये ल अच्छे मैंने हमें सब ल ल कहो बा दा एमती ये तो सही में आसली तो नुआ ना मतलब टिके प्रॉब्लम फेस है मैंने जहाँ भी स्टूडियो गाँव ल ल प्रॉब्लम मैंने हिंदी मोर क्लियर अच्छे बिकॉज वेस्टर्न ओडिशन पूरी मम्मी डेली तो हिंदी मोर क्लियर अच्छी ओडिया में मतलब टिके प्रॉब्लम होता बट धीरे धीरे गाई गई कि से कथा है कि मोर स्पष्ट है ओडिया बट घरे मोर बट संबलपुरी मम्मी से हिंदी बापा हाँ घरे पचार घरे जेजेमा जेजेप अच्छा पुणी मो बड़ापा मो बड़ी मम्मी मो भाई कजन ब्रदर अच्छी सेम एज आमा तो आम पिला दिन एकासे थिलु बट तापर से मैंने लाइक बड़ापा ट्रांसफर जब से जाइए बाहर बस यही तार कलेज तो सही अच्छा निहाती भाव में पूरा गोटी गोटी कर सब आंसर बहुत सुंदर भाव में मो आई एम अ डॉग लवर मतलब कुकुर बहुत भल लगन मो डॉग लिख छथि तो मो घर तीनटा डॉग अछि माने मो दुटा मो भाई रो गोटे तो घर आले जहां भी माने प्रैक्टिस बड़ होछन सब बसन दासी की एंड माने सब बड़े माने गोटे थाई की सब बड़े किछ घर होउछ मे किछ भी मस्टर सास के तो ऊपर बस जिबे तो मते माने तीनटा छथि ऑलिव शिरो एंड लियो अच्छा तो तीनटा जको माने तीनटा लैब तो मेल की एनर्जेटिक सब बड़े म्यूजिक सोई तो अलग टाइम रे भी सब बड़े एनर्जेटिक रे आगे ने खाया को दियो मोस्टली मम्मी मो करू की सब घरे बट तंगो से मैंने सब टाइम स्पेंड ही जाए निहाति भाबे रे रिकॉर्डिंग टाइम में दी कले फैमिली सब बड़े हां एटा माने मु एटा गीत बहुत दिन पर सुन छी एटा माने हेलानी 2 वर्ष ऊपर हेलानी 2.5 इयर्स हेलानी एटा मु माने फर्स्ट इंडस्ट्री आस्थली मु गीत रिकॉर्ड करथली प्रज्ञा दी से तो गीत चले अच्छा घर को जेतले जांदी जेतले बाहर को जेतले जांदी सेमती माहौल केमती गांव रो माहौल केमती थाए कारण एते सब रिकॉर्डिंग सरी छी तबरे इंडियन आइडल हो म्यूजिक रे बहुत के जिंस करि छथि गाँव में गले मैंने कौन से अच्छी मैंने से कौन मैंने एक्चुअली समलपुर गीत ये जाए गाई नहीं तो से कहते कौन ओडिया गीत हुए समलपुर गीत अटे समलपुरी तो मुझे मो मैंने मो जेजे भाई गोटे गीत लिखते जो ये जो गीत लिखते दी तीन गीत लिखते एंड मुझे मैंने मो पापा को कहते टाइम कि फकीर मोहन पटनायक जहाँ भी घर बस लिटरली बैठक बस तो से कहते कि जहाँ सगड़ गाड़ी जहाँ भी मैंने घर लिखाई सब गीत सब मैंने ये गीत सब घर लिखाई जाए सामने बापा मैंने मो जेजे बापा सामने तो से कहते कि मैंने एज अ समलपुरी गीत मैं समलपुरी गीत गा चांस मिलनी कभी बट आई वुड लाइक लव टू सिंग समलपुरी सॉन्ग अच्छा को गीत संबलपुरी के कारण बहुत सारे गीत अच्छी के बे संबलपुरी गीत ट्राई करि छथि लाइव रे हो हां लाइव रे तो रंगवती सब बड़े गायम अच्छा तो दितन नाडी में ता होछि हे रंगवती रे रंगवती हे गो रंगवती रंगवती हे रंगवती रंगवती काना कलहता हसी पदे कहल कथा ए रंगवती रंगवती काना कलहता हसी पदे कहल कथा हाय गोलाजे लाजे 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 हाय गोलाजे लाजे 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 ए लाजे लाजे नई जाऊ छे मोर था गो नहीं कर था
लजे लजे नई जाऊछे मोर था गो नहीं कर था सपन हो रोजा सपन सपन हो रोजा सपन रानी तलिर सुतर बाली हेला गुंगुता रंगवती रंगवती बा बहुत ही सुंदर आमे विश करिबो कि आपण कर जो ड्रीम अछि कि सब सब लैंग्वेज रे गीत गाइचन बट संबलपुर रे आपण को वॉइस रे गोटे सुंदर गीत निहाति भाव रे आसु आउ सेही भी जेमति सब गीत रोमांटिक हो बा जेमति आपण चाहन छन कि वर्सटाइल सिंगर सब सिंगर को इच्छा थाई कि नहीं आमे सब टाइप रो गीत सुनिबो आउ ओडिया रे तो संबलपुरी जदि गीत जदि गोटे न गाइचन छन सेटा टिके अधरा अधरा लागे समस्त को जिन साल संबलपुर गीत रे आजकल मु जहा देखि खाली फास्ट गीत चलछि बट संबलपुर रे बहुत सारे एमति माने रोमांटिक बिकॉज समलपुर कथा बहुत मीठा ओडिया बहुत मीठा बस समलपुर माने कोन माने मीठा कथा बहुत माने गेली कथा होती यदि हमें भी चाहिबो सही टाइप रो कि कोनोसी किछ नुवा पैटर्न हम दर्शक मान को आपन बहुत जल्दी भेटी देबो बिकॉज समलपुर के जहाबे खाली फास्ट डांस पैटर्न चल जहाबे चल छै आजकल बट समलपुर रे बहुत किछ एक्सप्लोर हेनी अनएक्सप्लोर्ड बहुत जगह माने समलपुर के सेटा आपन को द्वारा ही ट्रेंड स्टार्ट हो चाहिबो सहीटा कि रोमांटिक गीत समलपुर बहुत आछै निहाति बाबरे आपन को विश निहाति बाबरे पूर्ण हो हम चाहिबो जल्दी जल्दी पूर्ण हो जोडा कि हमें भी सुनि परबो आपन को वॉइस रे समलपुरी गीत जगनते पहिले सब आगे थैंक यू सो मच बहुत भल लागला हम जें कहलि कि कथा रे कथा रे आ गीत रे गीत रे केतले समय सरला जणा भी पल्लानी कोन ना जणा पण नि समय सरी हे छै मतलब इटा अच्छा आ गया कोन कहै पै चाहे मैं व्यूअर्स मन व्यूअर्स मन चाहे कि अपन भलो गीत मैं सुनंतु सबले माने एमति नै कि ट्रेंडिंग जहा चल माने पुरना गीत सुनंतु गीत देखंतु केमति हे छी लिरिक्स स्पेशली ध्यान देंतु गीत रे आजकल लिरिक्स टिके अछि आजकल ठीक रहनी ठीक जो पुरना लिरिक्स ध्यान गीत सुनंतु एंड जहाँ भी अपकमिंग सिंगर तंको सपोर्ट करंतु जे मु कथा करनी सब जहाँ इंडस्ट्री जहाँ भी अच्छी आउ ओडिया इंडस्ट्री जहाँ सपोर्ट करते बिकज ओडिया इंडस्ट्री जहाँ भी इन कंपेरिजन टू बॉलीवुड कम ना बट आपड़ गीत कम शुणिले कि बॉलीवुड गीत अधिक शुणिले कि मैंने ये मैंने कि ना ओडिया इंडस्ट्री सब हुए कि निज निज मानी निजटा लगे हाँ ठीक अच्छे बट अन्य जिन सब भल लगे अलरेडी देखी बॉलीवुड सीन आहुरी मैंने से मार्केट सेमती डिटो से मार्केट से लेग फुल सब अच्छी बट से भी ट्रैक एमती तैयारी हुए कि मैंने गाइल ये हेलो बट सेम जिन सब मैंने सब सेम जिन बट जस्ट बिकज आम देखु इंडस्ट्री पाखु तो आमको जना बट व्यूअर्स मैंने देखी मैंने से ऑलरेडी अधिक देखते भल गीत शुणु आप एंड मुझे मो नू गीत आसे मतलब सपोर्ट भी करूँ एंड एमती नहीं कि जस्ट फास्ट गीत शुणु स्लो गीत हो कि जहाँ भी ट्रेडिशनल गीत हो पुराना गीत शुणु जहाँ फ्यूजन आसटा भी शुणु मैंने जो भी गीत आसूजन हो डांस पैटर्न हो रोमांटिक हो सब भल पाइबा दिखाँ बहुत भल लगेगा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू नमस्कार नमस्कार दर्शक बंधु आशा करुच्छे आज अध्याय आपण मानक पसंद आसय सरी विदाय दिंतु पुणी देखा पड़े नुआ सका जन नुआ अतिथि सहित रोचे नमस्कार।